आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बा डायरिया की चपेट में आ गया है। सूचना मिलने पर मौके पर तत्काल शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली मुबारकपुर विधानसभा विधायक तत्काल जाकर लोगों का हालचाल लिया। मंगलवार को अचानक डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ जाने से हड़कंप मच गया है। 4 दर्जन के लगभग डायरिया प्रभावितों का CHC मुबारकपुर में इलाज चल रहा है, तो लगभग इतने ही विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। कस्बे का बलुआ मोहल्ला विशेष रूप से डायरिया की चपेट में है। बीते 3-4 दिनों से इक्का दुक्का डायरिया के मरीज कस्बे में मिल रहे थे। मंगलवार दोपहर बाद से अचानक से डायरिया पीड़ितों की संख्या में इजाफा हो गया। फिलहाल कस्बे का बलुआ मोहल्ला ही डायरिया से प्रभावित है, लेकिन इसकी चपेट में आसपास के मोहल्ले भी आ गए हैं। उल्टी दस्त के पीड़ित लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। CHC मुबारकपुर के सभी बेड वर्तमान में डायरिया के मरीज से भर गए हैं। वहीं काफी संख्या में डायरिया प्रभावित कस्बे के प्राइवेट अस्पतालों में भी अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं कुछ मरीजों को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। डायरिया के प्रकोप से पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया है। CHC की टीम ने बलुआ मोहल्ले में डाला डेरा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक टीम ने बलुआ मोहल्ला में डेरा डाल दिया है। मौके पर DM ने पहुंचकर मरीजों का जायजा लिया और मीडिया से हुई बातचीत पर जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में CHC पर लगभग 4 दर्जन डायरिया के मरीज भर्ती हैं, जिनका वहां इलाज किया जा रहा है। वहीं महकमे की टीम बलुआ मोहल्ले में लगा दी गई है। घर घर पीड़ित की खोज करने के साथ ही उन्हें दवा आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। पानी की गड़बड़ी से डायरिया फैलने का अंदेशा है, जिसके चलते नगरपालिका प्रशासन को भी मौके पर बुलाकर पानी की जांच को कह दिया गया है। सभी से पानी उबालकर पीने को कहा गया है। न्यूज 9 भारत के लिए सरफुद्दीन आजमी की खास रिपोर्ट। करीब अभी तो 35 के आसपास मरीज होंगे, बट सभी स्टेबल हैं। सभी को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है, पूरा उपचार दिया जा रहा है, तो सभी स्टेबल हैं, कोई गंभीर बात नहीं है। बाकी यहाँ पे हमने पूरी व्यवस्था कर ली है, और जनपद से भी और जनपद बोटा और आपके जो अस्पताल हैं अगल बगल CHC के, उनसे भी डॉक्टर से पैरामेडिक्स आ गए। साथ में जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भी बेड्स की व्यवस्था कर ली गई, इनकी जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर भी पेशेंट को बिठवा दिए। यहाँ पे बेड पड़ा है। ये अचानक जो है ये बीमारी जो फैली है, इसका कारण पता चलेगा। अभी तो फिलहाल जो भी देखिए डायरिया होता है पानी से, तो जो सप्लाई का पानी है उसको अभी रोक दिया गया है। कल जांच की जाएगी और टैंकर्स के माध्यम से और जो RO का पानी जो यहाँ पे RO सप्लाई करते हैं उनके माध्यम से सभी घरों में पहुँचाया जा रहा है। साथ में क्लोरीन की टैबलेट भी सबके घर में पहुँचा दी गई है और ORS का घोल और जो भी प्राथमिक उपचार होना चाहिए वो सभी के मोहल्लों में टीमों द्वारा पहुँचा दिया गया। तो इसके लिए इस अस्पताल से हट कर दूसरे अस्पतालों की सहायता ली गई इसमें मरीजों को? देखिए पूरे जनपद में जो सभी डॉक्टर्स हैं सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया, यहाँ पर बुला भी लिया गया है और साथ में आपके बाकी अस्पतालों में भी बेड्स कुछ रिजर्व करवा दिए गए। जिला अस्पताल में भी कुछ पेशेंट्स हमने भेजे हैं और कुछ मेडिकल कॉलेज में भी बेड्स हमारे अवेलेबल करा दिए, वहाँ डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया गया। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाती है सभी अस्पताल हमारे पास सफिशिएंट बेड्स हैं, कोई घबराने की कोई चीज़ नहीं है। सभी बेड्स हमारे उपलब्ध हैं, सारे दवाइयाँ उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स पैरामेडिक्स सभी उपलब्ध हैं, तो सिचुएशन कंट्रोल में है, उसको सही तरह से मैनेज किया जाए। तो लोगों क्या संदेश देना है इससे बचने के लिए? जो सभी लोगों को मेरा संदेश है, जिन मोहल्लों में केसेज आए हैं वो मोहल्ले वाले जो भी पानी पीना है उबाल के पिए, क्लोरीन की टैबलेट्स का इस्तेमाल करें और जो नगर पालिका के टैंकर्स हैं जो उसी के माध्यम से पानी सप्लाई किया जाए जा रहा है और किया जाएगा अभी जब तक कि इसका कारण का पता नहीं चलता है, उनके माध्यम से ही पानी पिए, इधर उधर पानी ना पिए। दूसरा, अगर किसी को भी उल्टी दस्त या जी मचलना इस तरह की कोई चीज़ आती है तो तुरंत अस्पताल में आए और यहाँ से जिससे इलाज होता तुरंत तत्काल इलाज किया जा सके। सर, इसके अलावा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज एडमिट है? सभी प्राइवेट अस्पताल जो भी इस इलाके के हैं सभी को बात की जा रही है, सभी को बोला गया है कि आपके पास जो भी बेड से वो भी आप तैयार कर लीजिए और सूचना एकत्र करी जा रही है कि वहाँ पे अगर कोई एडमिट है तो वो सूचना एकत्र करें। सर, कितने वार्ड में है ये? देखिए यहाँ पे 3 मोहल्ले बताए गए हैं। एक तो कोर्ट बलुआ कटरा बलुआ जो है वहाँ पे बताया गया है और एक सरैया, 2 मोहल्ले भी बताए गए हैं। उनपे घर घर में टीमें हमारी जाके एक बार जा भी चुकी है और ORS का घोल दे भी चुकी है। उसके अलावा रात को भी दोबारा एक बार टीम विजिट करी।
ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।